हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट SVJ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रेक हेडशॉट सेटिंग्स और ट्रिक के बारे में। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई हम तो ड्रेक हेडशॉट नहीं मार पाते, हमें उसकी सेटिंग बताओ। तो गाइस, सभी फ़ोन की सेटिंग अलग अलग होती है यार, लेकिन मैं आपको आज एक आइडिया दे दूंगा कि आपके फ़ोन की सेटिंग क्या हो सकती है और आप कैसे आराम से ड्रेक हेडशॉट ले सकते हो। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। और मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है यार, तो उसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे ड्रैग हेडशॉट ले सकते हो। तो गाइस, जो आपका एम होता है वो आपको थोड़ा एनिमी के चेस्ट से थोड़ा ऊपर रखना है फ्रेंड्स, मतलब सिर के आसपास रखना है। तो गाइस, आप आराम से ड्रैग हेडशॉट ले पाएंगे। जैसे ही आपके एम जो एम है आपका रेड हो जाता है एनिमी के थोड़ा आसपास रख के, तो आपको उसके बाद ड्रैग ऊपर कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं इजीली ड्रैग हेडशॉट ले पा रहा हूं यार। बस एनिमी के आसपास आपको अपना एम रखना है थोड़ा चेस्ट के आसपास, और जैसे आपका लाल मतलब रेड आता है निशान एम पे, आपने देखा होगा कि एनिमी के ऊपर टारगेट ना भी सेट हो फिर भी थोड़ी देर पहले एम लाल हो जाता है, तो फ्रेंड उसके बाद आपको ऊपर की ओर ड्रैग कर देना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको सेम इसी तरीके से करना है आप फ्रेंड्स। जैसे आपका एम थोड़ा लाल हो जाएगा, आपको ऊपर की ओर ड्रैग कर देना है और आप इजीली ड्रैग हेडशॉट ले पाओगे। जिसके आप देख सकते हैं, मेरी बॉल बहुत कम रह गई यार, लेकिन फ्रेंड्स मैंने इस एनिमी को आराम से ड्रैग हेडशॉट दे दिया और इसे दूसरी एनिमी ने मुझे मार दिया। तो फ्रेंड, जैसे ही आपका जो एम है वो रेड हो जाएगा, तो आपको थोड़ा जो आपका एम है वो चेस्ट के आसपास रखना है, और जैसे ही आपका एम लाल हो जाता है मतलब रेड हो जाता है, आपको उसको ड्रैग कर देना है ऊपर की ओर। तो जिसके आपने यहाँ देखा फ्रेंड्स कि मैंने एक बार ड्रैग किया और मेरा ड्रैग नहीं लगा, तो फ्रेंड्स मैंने आपको दोबारा आपको मैं एक बार दिखाता हूँ स्लो मोशन में। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ड्रैग हेडशॉट एक बार नहीं लगता, मिस हो जाता है, तो आपको दोबारा आपका जो बटन है वो छोड़ना है और फिर से उसके आपको उसको दबाना है और फिर ड्रैग करना है। तो फ्रेंड, जिसके आपने देखा दूसरी बार जब मैंने ड्रैग किया तो उसको ईजिली लग गया। तो फ्रेंड, जो उसकी सेटिंग है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी सेटिंग तो ये है, मेरी जो जलने सेटिंग है वो 90 है, और फ्रेंड जो मेरी रेड डॉट की सेटिंग है वो 75 है। तो फ्रेंड बाकी मेरी 90 है सारी सेटिंग। तो फ्रेंड, सभी की फ़ोन की सेटिंग यार अलग होती है, लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जो आपकी जनरल सेटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब आप इसको 80 के आसपास या फिर 80 या 85 के आसपास रख सकते हैं। तो आपको ये आहिस्ते आहिस्ते मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ानी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इसको 100 एक साथ कर देते हैं तो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो जाता है आपका टच, तो फ्रेंड्स और आप गेम सही से नहीं खेल पाते और आपका जो गेम प्ले है बहुत ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड, जो आपका रेड डॉट है ये फ्रेंड आपको थोड़ा कम रखना है, क्योंकि फ्रेंड जो आपका रेड डॉट होता है वो अगर वो आपका बहुत सेंसिटिव हो जाता है तो आप उसको आपका रेड डॉट इधर उधर भागता है, तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा आपको कम रखना है। जैसे कि मैंने 70 भर रखा है, उसको आप थोड़ा कम रख सकते हैं। और फ्रेंड बाकी जो आपकी सेटिंग है ये 90 आपको कर देनी है, या फिर आप उसको 100 भी कर सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपका स्कोप करके भी मैं इजीली ड्रैग हेडशॉट ले पा रहा हूँ। जिसके आप यहाँ देखेंगे भी मैं एक एनिमी को स्कोप करके ड्रैग हेडशॉट दे दूंगा इजीली फ्रेंड्स। आप स्कोप करके भी ड्रैग हेडशॉट ले सकते हो अगर आपने अपनी जो स्कोप की सेटिंग है उसको आपने हाई रखा है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही आराम से आप ड्रैग हेडशॉट दे सकते हो। आपको सेम सेटिंग रखने की कोई ज़रूरत नहीं यार, आप अपने हिसाब से सेटिंग बना सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको इतना करना है कि जो आपकी जनरल सेटिंग है वो आपको थोड़ी सी हाई रखनी है 80 के आसपास, और जो आपकी रेड डॉट की सेटिंग है वो आपको थोड़ी कम रखनी है उससे। इससे क्या होगा कि आपका जो रेड डॉट है वो चिपकेगा बंदे से, मतलब एनिमी से वो चिपक जाएगा और आप आराम से ड्रैग हेडशॉट ले पाओगे। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही यार। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ यार, तो सभी घर में रहो और सेफ रहो। मैं आप सभी से ये कहूँगा कि बाहर ज़्यादा मत निकलो और मास्क मुस्क का यूज़ करो यार। तो ओके, बाय।